अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद राशिद इकबाल। आज आपसे एक बात शेयर करनी थी एंटीबायोटिक के लिहाज से कि मोस्टली ओपीडी में मरीज़ आते हैं हॉस्पिटल के अंदर कि डॉक्टर साहब मेरा इन्फेक्शन चल रहा था, जैसे चेस्ट इन्फेक्शन ले रहे हैं, सोर थ्रोट ले रहे हैं, ये चीज़ें ले रहे हैं, तो कहते हैं डायरेक्ट हमने एजिथ्रोमाइसिन ही खा दी है। तो काइंडली थोड़ा सा प्रेस किया करें एंटीबायोटिक लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर पूछा करें कि डॉक्टर साहब हम कौन सा एंटीबायोटिक लें, ये लें या ना लें, ठीक है। और डॉक्टर साहब हमें इंजेक्शन लगवाए हैं, दो दिन हो गए इंजेक्शन लगवा रहे हैं, काइंडली थोड़ा सा ध्यान रखा करें कि एंटीबायोटिक फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन कब लगवानी है, ये डॉक्टर से ज़्यादा बेहतर शायद कोई नहीं जान सकता। आपको अगर ठीक है एंटीबायोटिक्स के कुछ नाम याद हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बीमारी में वो एंटीबायोटिक चल रही होगी, नहीं, ये बात गलत है। तो आपने पहले डॉक्टर से पूछें, और ख़ासतौर मैंने एक दो केसेज, बल्कि ज़्यादा केसेज ऐसे भी देखे हैं कि पेशेंट आते हैं डॉक्टर हमारे वहाँ पे एक डॉक्टर नॉर्मल जो होते हैं, मतलब डॉक्टर तो नहीं होते, बिली होल्डर नहीं होते, तो वो उन्होंने जी हमें कहा है कि ये टेबलेट खा लो, जी डायरेक्ट आप एजिथ्रोमाइसिन खा लो, ये खा लो, वो खा लो। तो काइंडली मेरी उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि डायरेक्ट मरीज़ को हैवी डोज पे ना शिफ्ट किया करें, उसके लिए भी हॉस्पिटल तक भी कुछ छोड़ दिया करें कि अल्लाह ना करे कल कुछ सीख हो जाता है, तो ये ना होकर रेजिस्टेंस शो हुई हो उसको किसी चीज़ में, और किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो हुई हो तो फिर बड़ा मसाइल आते हैं अस्पताल के अंदर। और मोस्टली लोग जो एडमिट होते हैं उनके यही मसाइल जा रहे होते हैं, राउंड पे भी हम हमारे सीनियर से डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये एंटीबायोटिक इसको कवर नहीं दे रही तो चेंज करें जी, इस पर शिफ्ट करें, उसकी वजह ये होती है कि वो ऑलरेडी रेजिस्टेंस शो हो रही होती है उसके अंदर उसको। तो काइंडली एंटीबायोटिक पर सोच समझ के लिया करें, इस तरह ना लिया करें, अपना नुकसान ना किया करें, ठीक है। और अगर आप एंटीबायोटिक से कुछ नाम याद हो भी गए तो डायरेक्ट मान लिया करें। थैंक यू।